दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच वर्ल्ड कप का बार मुकाबला बारिश की वजह से कैंसिल हो गया, लेकिन दोस्तों उसके बाद ये मुकाबला सुपर ओवर का खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने इंग्लैंड की टीम को पूरी तरह से हराकर उसका घमंड चकनाचूर कर दिया। तो दोस्तों, आप भी देखना चाहते हैं भारतीय टीम ने इंग्लैंड की टीम को सुपर ओवर में कैसे रौंदा, तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे आपको ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी सारी लेटेस्ट खबरें आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज वर्ल्ड कप 2023 का बारहवां अप मुकाबला भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मगर दोस्तों, उसके बाद बहुत तेज बारिश आ गई और बारिश ने पूरा खेल खराब कर दिया। लेकिन कम से कम 3 घंटे का इंतजार करने के बाद इस मुकाबले को एम्पायरों को एक एक ओवर का करना पड़ा, जिसमें भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक ही ओवर में 22 रन ठोक डाले, जिसमें रोहित शर्मा ने 3 गेंदों में 13 रन की शानदार पारी खेली। तो वहीं सुमन गिल ने भी अपनी पारी में 9 रन बनाए। 22 रन का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम सिर्फ एक ओवर में 17 रन ही बना सकी और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 5 से अपने नाम कर लिया और इंग्लैंड की टीम के घमंड को चकनाचूर कर दिया। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप जीत पाएगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में इंतजार जरूर देना। धन्यवाद।